अरे सब हैं कि ताली मार के निकल लिए। क्या रोशेल कहाँ चली गई? दूर। मैं तो शेखर जी बड़ी उपलब्धि महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा पेमेंट और चेक पाने वाली एंकर एक फ्री में परफॉर्म करने वाले कंटेस्टेंट को लेके आती है। रोशेल के लिए एक शेर कहना चाहूंगा, उसकी तरफ से इशारा कि अगर ये शो है उत्तराखंड तो देहरादून है आप, अगर ये शो है खेती तो मानसून है आप, अगर ये शो है पूर्णिमा तो सुपर मून है आप, सुपर मून, अगर ये शो है शादी तो हनी मून है आप। वाह भाई, वाह। अच्छा यहाँ जितने भी लोग हैं कृपया हाथ खड़ा करके हमें दिखाएं। वाह, हाथ तो इतने कॉन्फिडेंस से खड़े किए जैसे आज हमें दिख ही जाएगा। अर्चना जी, हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, क्या कई बार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि हम ब्लाइंड हैं। एक बार तो बगल के एक दुकानदार कहने लगे, अभय जरा हमारा दुकान देखते रहना। हम बैठे रहे, कई लोग दुकान देख के चले गए। हमारा एडमिशन अर्चना जी हमारे घर वालों ने एक स्कूल में करा दिया। हमारा स्कूल भी ब्लाइंड था। अब हम ब्लाइंड, स्कूल भी ब्लाइंड। ना हम स्कूल को देख पा रहे हैं, ना स्कूल हमें देख पा रहा है। जहाँ टीचर भी ब्लाइंड, स्टूडेंट भी ब्लाइंड। 5-7 बच्चों का तो अटेंडेंस हम खुद लगा देते थे। पप्पू, यस सर। पिंकू, यस सर। पिंकू, यस सर। और टीचर को लग रहा है क्लास बच्चों से खचाखच भरी हुई है। अर्चना जी, मिमिक्री आर्टिस्ट होने का तो हम इतना फायदा उठाते थे कि कई बार एक टीचर की नकल उतार के दूसरी टीचर से उधार ले लेते थे। एक बार तो हम दो ब्लाइंड आपस में झगड़ गए। इधर से मैं बोल रहा हूँ, आज मैं तुझे देख लूंगा। उधर से वो बोला, मैं भी तुझे देख लूंगा। अर्चना जी, मैं उसे मार रहा हूँ, वो हमें मार रहा है। न मेरा उसे लग रहा है, न उसका मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इधर मार रहा हूँ, वो उधर मार रहा है। और चोट दोनों को लग रही है, क्योंकि बाद में पता चला कि एक काना हम दोनों को मार रहा है। हम कपड़े सुखाते थे, हमारे कपड़े एक्सचेंज हो जाते थे। कई बार पता चला रामलाल का कपड़ा झामलाल पहन के घूम रहा है। वो तो शुक्र मनाइए कि स्कूल में लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते थे। एक बार तो हम अपना कच्छा ढूंढ रहे थे, एक कच्छा मिला, हमने स्पर्श किया, उसमें ब्रेल में लिखा था। तब किसी ने बताया, कह रही है ब्रेल में नहीं लिखा है, ये मास्टर साहब का कच्छा है, इसमें 14 छेद हैं। ओह माय गॉड। हम लोग सार्वजनिक रूप से बैठ के अर्चना जी रेडियो सुनते थे। अच्छा, तो कहीं पार्लियामेंट से राजनाथ जी का भाषण चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, वाह, निश्चित रूप से यह जो देश है हमारा, ओहो, यह बच्चों की किलकारी से, युवाओं के जोश से और वृद्धों के अनुभव से चल रहा है। और जो लोग भी इस देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, मैं उनकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। उसी में समाचार मिला, बनारस से खबर है कि श्री हरि प्रसाद अंध विद्यालय को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा और यहां पर तोल करके मॉल बना दिया जाएगा। ओ। हम लोगों ने समाचार सुना, ओ हमारा विद्यालय तोड़ के मॉल बनाया जाएगा। अर्चना जी, हमने तय कर लिया कि आंख वाले आंदोलन करते हैं, लेकिन हम ब्लाइंड हैं तो हम आंदोलन करेंगे। वाह वाह। और हमने तो पिछले जन्म में भी इतना बड़ा आंदोलन किया था कि ससुरा अभी तक नजरबंद है। शेखर जी, क्रांति की मशाल जल चुकी थी। 2 में 200 ब्लाइंड लड़के सड़क पर आंदोलन करने निकल पड़े। आंदोलन की दशा समझ रहे हैं आप लोग? किस दिशा में जाना हम में से किसी को नहीं पता। हम में से 35 तो उल्टी तरफ निकल लिए।
22 वापस गेट के अंदर, 40 चार दिन बाद जंगल से बरामद हुए, 3 नाली में पड़े मिले। शेखर जी सबको इकट्ठा करते ही 3 दिन लग गया। हम नारा लगाते हुए आगे बढ़े, लाठी गोली खाएंगे, प्रशासन से टकराएंगे। अर्चना जी हम टकराए भी लेकिन खंभे से। लोगों ने कहा तुमने ये क्या नया तरीका है ग्रुप में भीख मांगने का। ग्रुप में भी? हमने कहा एक्सक्यूज मी, हम भिखारी नहीं क्रांतिकारी हैं। फिर हमने तय किया कि अब हम प्रशासन को काले झंडे दिखाएंगे। जैसे ही हम झंडा लेके आगे बढ़े, एक दादा, कहाँ बढ़ रहे हो? आगे प्रशासन नहीं सांड है, और तुम्हारा झंडा भी काला नहीं लाल है। तभी उसी में पुलिस आई। पुलिस गाड़ी में ले गई, जहां ले गई 8 दिन तक हम नारा लगाते रहे, कोई आया ही नहीं। 9वें दिन पता लगा कि अरे हम लोग तो हवालात में हैं। फिर जैसे तैसे छूटे, हमने तय किया कि अब हम सीधे मुख्यमंत्री से अपनी समस्या कहेंगे। हमने मुख्यमंत्री के पीए से समस्या बताई। वो आके वापस बोला कि सर आप लोग के खिलाफ हो रहे अन्याय से दुखी हैं, और उन्होंने फैसला किया है कि वो खुद सड़क पर उतर करके आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमने कहा ये कैसे मुख्यमंत्री है जो अपने प्रशासन के खिलाफ खुद उतर कर लड़ाई लड़ेंगे। आप हमें मिलवाइए। मुख्यमंत्री जी मिले, बोले अच्छा आप लोग वही बनारस से हैं जिनका विद्यालय छीन गया है, हमें पता चला है, और आप हम पर भरोसा करिए, हम स्वयं आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमें आवाज से पता चला कि ये मुख्यमंत्री नहीं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री है। थैंक यू एवरीवन। अब है बहुत ही उत्कृष्ट लाजवाब पेशकश। आपने जो कुछ भी पेश किया उसमें वेदना भी, संवेदना भी, हृदय स्पर्शी भी, मन स्पर्शी भी, और हास्य भी, ये सब का मिला जुला जो समन्वय था वो बहुत ही कमाल का था। ये मंच धन्य हुआ आपको पाके। अभय जी हम आपका हृदय से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सर। अभय मैं जब आपको मंच पर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ एक विनर दिखाई देता है और कुछ नहीं। आप एक विजेता है रियल लाइफ की जंग में, तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ यू आर अ विनर। From the time you came on this stage, you stepped on this stage, you are a winner and you always will be a winner. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. बिना नजर के जो नजराने इन्होंने हमें दिए हैं, बहुत खूब। इस शख्स के जीने के अंदाज निराले हैं, होठों पे लतीफे हैं, आवाज में छाले हैं। Thank you, sir. Let's hear it for Abhay.